हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम आज के यानी कि 1 मार्च 2020 के द हिंदू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, वो है हेल्थ आउटकम्स ऑफ डिस्प्लेइंग आर्ट इन हॉस्पिटल्स। देखो, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो वैसे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जिस तरह का डर का माहौल होता है, पेशेंट्स डरे हुए रहते हैं, बेचैनी सी रहती है, एक स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी सा माहौल रहता है, उसको सुधारने के लिए क्यों ना एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें पेशेंट्स सेफ, सोशलाइज और कनेक्ट फील कर सके। अब उसके लिए मुझे लगता है और ऑथर को भी ये लग रहा है कि आर्ट बहुत ज़रूरी है। आर्ट जैसे पेंटिंग्स लगा दी, आर्ट के कुछ पीसेस लगा दिए हॉल्स में, वेटिंग रूम में। कुछ हॉस्पिटल्स हैं ऐसे, पार्टिकुलरली प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट वंस, जिनके दीवारों पे अट्रैक्टिव पिक्चर्स और आर्ट पीसेस लगी हुई हैं, और हॉस्पिटल के जो ओनर है उनको लगता है कि ये केवल हॉस्पिटल की क्लास बताने के लिए कि कितना रईस ये हॉस्पिटल है, कितनी ज़्यादा जो लग्जरी सर्विसेज हैं इसकी, शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कितनी लग्जरी सर्विसेज हैं इसकी, ये बताने के लिए पेंटिंग्स लटकाई जाती हैं। हॉस्पिटल्स के ओनर्स को भी कभी कभी लगता है, लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, इसके पीछे एक वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले इसलिए लगाते हैं ताकि पेशेंट्स को सेफ फील हो, सोशलाइज वो फील कर सकें। सरकारी अस्पतालों में आपको ये नहीं दिखेगा, और दीवारों तो छोड़ो, वहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह तो भूल जाओ, वहाँ पे कुछ दीवारों पे होता भी नहीं नोटिस के अलावा। बहुत ही डरावनी वहाँ पे जो है रूम्स और कॉरिडोर्स रहते हैं और काफ़ी छुपे छुपे रहते हैं, और आप खुद भी देखे होंगे कि इस तरीके से माहौल रहता है। मेडिकल साइंसेज के जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में, जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी कुछ ऐसी ही हालत है। तो ऐसा देखते हुए ही हम को कह सकते हैं, और ऐसा चौंकाने वाली बात भी होगी कि हॉस्पिटल्स में अगर हम आर्ट डिस्प्ले करें, पेशेंट वेटिंग रूम्स में आर्ट डिस्प्ले करें, और चौंकाने वाली बात ये भी होगी कि ये पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए भी अच्छा होगा। कैसे? ये बात क्या हवा में कही जा रही है कि वास्तव में ऐसा हुआ है? सर्वे आया, सर्वे में देखा गया ऐसा हुआ, रिपोर्ट पब्लिश हुई, और इस स्टडी में पाया गया, किया क्या गया, एक हॉल था, हॉल में पेशेंट्स थे, कुछ हफ्तों तक खाली दीवारें थीं, ब्लैंक था, पहले वीक में 7 दिन में ब्लैंक दीवारें थीं, कुछ भी नहीं था, और जो पेशेंट्स थे वे बेसिकली एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, अजीब सा माहौल था। 8th डे में पेंटिंग्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स लगाई गई दीवारों पर, और देखना ये देखा जाने लगा कि पेशेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बात करने लगे, दीवारों पे देखने लगे, उसको स्टडी करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, और धीरे धीरे जो है एक दूसरे के साथ बात करके उन्होंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए, और टॉपिक्स पे बात करने लग गए, वो पॉलिटिक्स पे बात करने लग गए, कई चीज़ें उन्होंने देखी, नर्सेस की बात वो करने लग गए, डॉक्टर्स की बात वो करने लग गए, ग्रेट अटेंशन के साथ वो डॉक्टर की बात सुनने लग गए थे, और सीधी सी बात है इससे उनकी केयर जो है, जो क्योर है वो इम्प्रूव होता ही, सेफ इन्वायरमेंट। तो रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि आर्ट की वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट सेफ, सोशलाइज, कनेक्शन फील कर सकता है दुनिया के साथ, और अपनी आइडेंटिटी को भी महसूस कर सकता है, और आर्ट की वजह से हेल्थ आउटकम्स भी बेहतर आते हैं। आप आशा कर सकते हैं कि ये उन पेशेंट्स के लिए सच ज़्यादा साबित होगा जो कि ICU में भर्ती होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स चारों तरफ देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होगा। और ये स्टडी यूरोपियन सोसाइटी में की जा चुकी है, इंडिया जैसी जगहों पर क्या ये हेल्पफुल होगा, इसका कोई कारण नहीं है कि हेल्पफुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वजह रिसर्च अनुभव यही दिखाती है कि अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अगर लोकल कंडीशन के हिसाब से डाली जाए तो ये जरूर काम करेंगी, क्योंकि लोग लोग होते हैं, पीपल आर पीपल, दे लाइक टू इंटरेक्ट, नीड अटेंशन, नॉट जस्ट फॉर मेडिकल अटेंशन बट एज पर्सन, सोशियोलॉजी एज वेल, सोशियोलॉजिकली मतलब वो लोग, इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, हम एक दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, लेकिन हम एक खुद को अटेंशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, बात करें, हमारी तरफ अट्रैक्ट होएं, तो इसलिए पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इस दिशा में मददगार होती है। डिज़ाइनर्स, सोशियोलॉजिस्ट और सेंसिटिव आर्टिस्ट मिलके डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ हॉस्पिटल्स में इस तरह का आर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं जहाँ भी जगह अवेलेबल है, पेशेंट स्पेस को जो ओवरबर्डन हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए, और कल्चर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दीवारों पे पोत दिए, हेल्थ आउटकम्स अच्छे होंगे अगर इस तरीके का काम होगा तो,
लेकिन ध्यान रखा जाए कि लोकल कल्चर के हिसाब से हो। क्या ये डॉक्टर्स और नर्सेस को भी मदद करते हैं? क्या डॉक्टर और नर्सेस सीख सकते हैं इनसे? क्या वो और प्रोफेशनल होते हैं इनसे देखने के बाद? स्टडी हुई थी, इसमें भी रिसर्च हुई थी, इसमें पता चला कि हाँ, एक कॉलेज में ऐसा किया गया, सब मेडिकल स्कूल्स में, जिनमें यंग स्टूडेंट्स ने इसको अप्रिशिएट किया, उन देखा कि हाँ, हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ी है, और ये देखा गया कि और मेडिकल कॉलेजेस भी ये ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करना है, फिर बच्चों से एक बार सजेशन ले लें और गेट टुगेदर इससे हो जाए, हो सकता है माइंड्स इससे खुलें। हैं तो आर्ट की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस, माइंड ओपन हो जाता है। प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, उन्होंने ऐसा किया है, और बेसिकली जगह जगह उन्होंने हर दीवार पर इस तरह के काम किए हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो आर्टिस्ट, और यही नहीं बल्कि आर्टिस्ट भी बुलाए जा सकते हैं, म्यूजिशियंस भी बुलाए जा सकते हैं, राइटर्स भी बुलाए जा सकते हैं, एक इवेंट भी करवाया जा सकता है, छोटा मोटा पोएट्री का इवेंट करवाया जा सकता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें, जैसे ऐसे हॉस्पिटल हो सकते हैं जिसमें एक एरिया, एंटायर फ्लोर उस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड हो, जहाँ पे डॉक्टर साइंटिस्ट जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी स्ट्रेस फ्री होगा और इंटरेस्टेड जो सिटीजन्स हैं वो भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब जो है बड़ी ध्यान के साथ किया जाए तो बेहतर होगा। NCBS मेथड टू डिटेक्ट वायरस एसोसिएटेड विद रेयर स्किन कैंसर। देखो, साइंस टेक्नोलॉजी के पेज में जो साइंस के आर्टिकल्स आते हैं वो बहुत डेप्थ में होते हैं। UPSC आपको जर्नलिस्ट बनाना चाहता है, आपको कभी भी ये नहीं चाहता कि आप PhD करें हर चीज़ में। तो कोशिश ये करें कि ऊपर से आपको चीज़ की डेप्थ पता हो, ऊपर से, मेरी बात को समझना। जैसे अभी मर्कल सेल की बात हो रही है, इसमें मर्कल सेल कार्सिनोमा एक तरह का कैंसर है, रेयर और एग्रेसिव टाइप का कैंसर है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने एक टेस्ट डेवलप किया है, CRISPR-Cas12 टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है। तो अब UPSC आपसे पूछेगा मर्कल सेल कार्सिनोमा क्या होता है। बेसिकली स्किन कैंसर है, ओल्ड एज और एक्सेसिव एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट और वीक इम्यून सिस्टम की वजह से ये होता है, ठीक है। स्किन कैंसर है मर्कल सेल, ये ध्यान रखना, UV रेज और वीक इम्यून सिस्टम हो तो उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या आर्टिकल है, हाँ, एक तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखा गया कि एक कोलिस्टिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जो पाया गया, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। कोलिस्टिन क्या है? कोलिस्टिन एक एंटीबायोटिक है, जब इसको हमेशा इमरजेंसी में काम में लिया जाता है। देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है और अगर वो ड्रग रेसिस्टेंट बढ़ जाता है, अब ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है भाई, एक समय होता है कि दवाई किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, और एक समय जब आता है जब वो दवाई उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाती, क्योंकि वो ड्रग जो है, वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है, वो ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी उस ड्रग का असर अब उस पर नहीं पड़ता। तो इसके लिए नई दवाइयाँ आती हैं, नए ड्रग्स आते हैं। तो कोलिस्टिन एक तरीके की एंटीबायोटिक है जो इमरजेंसी में काम में ली जाती है, अगर सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्रग से रेसिस्टेंट हो जाए तो ये इस तरह का काम में लिया जाता है। अगर कोलिस्टिन रेसिस्टेंट जो बैक्टीरिया है, यानी अब एक बैक्टीरिया ऐसा निकल के आया है जो कोलिस्टिन को भी मात दे रहा है, समझ रहे हो, कोलिस्टिन खुद एक इमरजेंसी के लिए एंटीबायोटिक है, और उसका भी अगर ड्रग, उसको भी अगर बैक्टीरिया मात दे देगा तो ये तो बहुत चिंता की विषय है ना। तो कोलिस्टिन रेसिस्टेंट जो बैक्टीरिया एक है हॉस्पिटल ओरिजिन का, वो किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और एक है फूड ओरिजिन का जो कार्बेफेनम को तो फिर भी रिस्पॉन्ड करता है, कार्बेफेनम ड्रग को फिर भी रिस्पॉन्ड करता है। तो ये अंडरलाइन जो मैंने चीज़ें की हैं ये आप याद रख लीजिए, बाकी की डिटेल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है टू स्पीसीज़ की, देखा यहाँ पे गया हमारे रेड पांडा की बात हो रही है। देखो, रेड पांडा की दो स्पीसीज़ हैं, चाइनीज़ रेड पांडा, हिमालय रेड पांडा, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस निकल के आया और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस निकल के आई। तो हम UPSC अब ये तो पूछेगा नहीं कि क्या आया था न्यूज़ में, वो पूछेगी कि रेड पांडा क्या है, क्या IUCN का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक एक्जोप्लैनेट K2-18b को स्टडी किया है, जो कि 124 लाइट ईयर्स अवे हैं, अर्थ की रेडियस से 2.5 गुना बड़ा है और अर्थ के मास से 8 गुना बड़ा है। और बेसिकली इसके जो स्टार है
जैसे अपना अपना स्टार है सन अर्थ का, वैसे इसका स्टार जो है, ये जो एक्सोप्लेनेट है K218b, इसका जो स्टार है उसके चारों तरफ ये घूमता है। टेम्परेचर जो है इतना तो है कि इसमें पानी रह सकता है, लिक्विड वाटर इसमें रह सकता है। एटमॉस्फेयर कैसा है इसका कुछ पता नहीं, एटमॉस्फेयर का अंदाज़ा भी नहीं लगा हमें। वीनस, अभी देखो वीनस में एक एस्टेरॉयड पता चला कि एक एस्टेरॉयड है जो चक्कर लगाता है वीनस के, मतलब उसका ऑर्बिट वीनस के पास में, वीनस के एंटायरली विद इन दैट ऑफ द वीनस। इसका नाम है 2020 AV2। ये एस्टेरॉयड है वीनस के ऑर्बिट में पाया गया, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, रेड पांडा की हम बात कर रहे थे, तो रेड पांडा की एक बार डिटेल में हम जानकारी ले लेते हैं। ये है आपके सामने रेड पांडा, ठीक है, रेड पांडा है। इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, देखो हिमालय माउंटेन्स में पाया जाता है और चाइना में भी पाया जाता है ये, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी UPSC के हिसाब से डिटेल ले लेते हैं। इसका IUCN स्टैंडर्ड इंडेंजर्ड जो मैं आपको बता चुका हूँ, सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा, सिक्किम का स्टेट एनिमल है। ये हमारे हिमालयाज में भी पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज और साउथ वेस्टर्न चाइना में भी पाया जाता है। बम्बू के ऊपर ये गुजारा करता है, खाता तो ये अंडे, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी है। सोलिटरी एनिमल है, यानी अकेला रहता है, भीड़ में नहीं रहता, झुंड में नहीं रहता, अकेला एनिमल है। और रेड पांडा बेसिकली एंडेमिक है हिमालय के टेम्परेस्ट फॉरेस्ट में। एंडेमिक मतलब एक फीचर, एंडेमिक मतलब ये जगह इस चीज़ के लिए जानी जाती है, हिमालय जो है वो रेड पांडा के लिए जाने जाते हैं, हिमालय के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है ना। और चाइना में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, सिक्किम में तो ये पाए जाएंगे क्योंकि सिक्किम के तो स्टेट एनिमल हो गया, तो सिक्किम तो आपको याद रखना ही है। बाकी वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मैं रिपीट कर दूं, सिक्किम का स्टेट एनिमल है तो सिक्किम में तो होंगे ही, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इसका खतरा है इनको। कमर्शियल लॉगिंग की वजह से खतरा है, एग्रीकल्चर यूज़ बढ़ रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, हैवी स्नोफ्लो फॉल, रेनफॉल और कई चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से, जैसे कि बम्बू फ्लावरिंग होती है जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है, तो ये जिस पे गुजारा करते हैं उन चीज़ की डेथ हो गई। फॉरेस्ट फायर जो है, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे भारत के जंगल भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर से प्रोन है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और लो बर्थ रेट है इनकी, एक साल में एक बच्चा जन्म लेता है एक माँ के, ठीक है। और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड में। प्रोटेक्शन कहाँ मिला हुआ, एक तो IUCN का स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। इसके प्रोटेक्टेड एरियाज है, सिक्किम में तो कंचनजंगा नेशनल पार्क में है, वेस्ट बंगाल में नेओरा वैली में है और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क में है, वेस्ट बंगाल में सिंगालिया नेशनल पार्क में है। याद कर लेना, ग्लोबल स्पीशीज मैनेजमेंट प्लान इसके ऊपर बना हुआ है। जो चिड़ियाघर हैं, जूज हैं दुनिया में जिनमें रेड पांडा हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंजर्वेशन करता है, सस्टेनेबल उनको बनाने की कोशिश करता है कि उनकी पॉपुलेशन वाइल्ड में रहे, और टेक्नोलॉजी की मदद से उनको जो है बचाए रखने का प्रयास ही करता है। रेड पांडा के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अच्छी वॉइस पर डाल दूंगा। इतना देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।